Assalamu alaikum. How are you all? Welcome to our channel Noman and Zuhair Tutorials. And today we will be discussing about carbohydrates. First of all, let's see what are carbohydrates. Definition: carbohydrates are the organic compounds. These are the organic compounds. Okay. And the next part is that they contain carbon, hydrogen and oxygen. Containing carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrates are the organic compounds that contain which elements? Carbon, hydrogen and oxygen. And in the means hydrogen and oxygen to your ratio to the वो सेम जो आने चाहिए वाटर में प्रेजेंट हो रहा है यानी कि 2:1 जितना ऑक्सीजन का एटम्स होगा उन्हें से डबल थे हाइड्रोजन का एटम्स प्रेजेंट होगा थर्ड पॉइंट से ये एक करना सर इन व्हिच द रेशियो ऑफ कार्बन रेशियो ऑफ हाइड्रोजन and oxygen is same as in water means water mein kitna ratio hota hai hydrogen oxygen ka 2:1 ek oxygen hogi tab par hydrogen hogi je kar hum par oxygen hogi to char hydrogen hogi par head is sir to hi complete definition thi total 3 points hain What are carbohydrates? Carbohydrates are the organic compounds that contain carbon, hydrogen and oxygen in which the ratio of hydrogen and oxygen is same as in water means 2:1. Okay. Let us see examples. Let's suppose this is a well-known carbohydrate. In a formula, C6H12O6. It is the formula of glucose. Now this is a carbohydrate. This is an organic compound, and it contains carbon, hydrogen, and oxygen. And in the way oxygen and hydrogen will be ratio again, 2:1. Yani ke tumhare so oxygen dekhne shab present hai, hydrogen unhe double the present hai, yani ke 12. Ya ye sabhi formula ma hine saath kar liye kisi kar to C6H2O6 6 कार्बन आहे आणि उनसा ग्रेडियन 6 वॉटर चा मॉलिक्यूल्स प्रेझेंट आहे इप्रो वेयर एग्जांपल कोण होता लेट्स सपोज शुगर जो C12H22O11 इप्रो वेयर एग्जांपल आहे कार्बोहायड्रेट्स जो की डिफाइन करना दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आई हैव द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो जो रेशियो आहे वो सेम आहे जो वाटर में होता है तो मतलब सो ऑक्सीजन यहां प्रेजेंट आहे द हाइड्रोजन में डबल थे यानी ये 22 प्रेजेंट आहे एंड यो फार्मूला होता है इन ऐसा था लिख से होता 12 कार्बन विद 12 मॉलिक्यूल विद 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 12 कार्बन विद 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और हेने फार्मूला से स्टडी करें हीं ये लगे तो जो कार्बन का एटम्स वाटर मॉलिक्यूल्स का गठन पाया इतने 6 कार्बन का एटम्स 6 वाटर मॉलिक्यूल्स का गठन है इतने 12 कार्बन का एटम 11 वाटर मॉलिक्यूल्स का गठन है इन सिचुएशन में इसी करे सामने के नाल अनुवाद है कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स मीन वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट रिप्रेजेंट करे तो कार्बन की ओके या वैसा जो नाल बनाए हो सामने के हाइड्रेटेड कार्बन्स यानी के एड़ा कार्बन्स जिनसा गठन वाटर मॉलिक्यूल्स पर हाइड्रेटेड कार्बन्स दीस आर द हाइड्रेटेड कार्बन सिक्स कार्बन्स हैं उनमें से 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 12 कार्बन्स हैं उनमें से 11 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो वेयर एग्जांपल कौन होता लेट्स सपोज राइबोज जो सर एग्जांपल कौन होता C5H10O5 दिस इज अनदर कार्बोहाइड्रेट हैविंग केमिकल फार्मूला C5H10O5 In a way,
ऑक्सीजन है हाइड्रोजन का रेशियो सेम आ है जो वाटर में होता है 5 ऑक्सीजन आ है तो दे है हाइड्रोजन आ है एंड इन द केस ऑफ निम्नलिखित किसे होता C5 पांच कार्बन का एटम्स है एंड उनका संघनन पांच वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो ही डेफिनेशन थी भाई कार्बोहाइड्रेट्स के नेक्स्ट ऑप्शन डिफाइन कैसे होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होना है जिनमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो दिया है एंड उनमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो होता है वो सेम होता है जो रेशियो वाटर में प्रेजेंट होता है और ही डेफिनेशन का यूज करना है पर ही डेफिनेशन थोड़ी इनकंप्लीट है केड़े हिसाब से इनकंप्लीट है शायद कुछ केसेस एड़ा है जितने ही डेफिनेशन फिट नहीं है केड़ा केसेस है उनके भी सी बैठो लेट्स सपोज असा एग्जांपल करू का एसिटिक एसिड जो फार्मूला है CH3COOH या इन फार्मूला के साथ कंबाइन करेंगे किस तरह का इट विल बी C2H4O2 और ये एसिटिक एसिड जो फार्मूला है ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड इनमें भी कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन रेशियो सेम ही है जिसको वाटर में प्रेजेंट हुआ है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की तो कार्बोहाइड्रेट थे तो पर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं ये कार्बोजाइलिक एसिड है वन ऑफ द कार्बोजाइलिक एसिड्स पर डेफिनेशन जो का कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन से पड़ी सी वो बिल्कुल इन पे फिट अच्छी रही है तेने के ऐसा जो क्लियर का डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की या इनकंप्लीट है एक और एग्जांपल करूंगा कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट है डीऑक्सीराइबोज इट इज वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड जो फार्मूला दिया है C5H10O4 और ही कार्बोहाइड्रेट है ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ट्रेल है एंड इनमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो को रेशियो है वो वाटर वाला रेशियो नहीं सो ऑक्सीजन 4 प्रेजेंट है तो जेका वाटर जो रेशियो हो जाए तो उन हिसाब से हाइड्रोजन इते 8 पर हाइड्रोजन इते 10 है मतलब ही आहे तो कार्बोहाइड्रेट बाय प्रॉपर्टीज न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज सिस्टमना फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज उन हिसाब से जो है ही कार्बोहाइड्रेट है पर कार्बोहाइड्रेट से जेका डेफिनेशन आहे वो आहे तो फिट नती है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जेना सामने डेफिनेशन के ही जस्ट फॉलो करदा से तो उन डेफिनेशन के हिसाब से ही कार्बोहाइड्रेट नहीं डेफिनेशन ते फिटिंग नहीं होचे एंड जेकर उन डेफिनेशन के साथ सिस्टमना से तो उन डेफिनेशन के हिसाब से ही जो कंपाउंड आहे ही कार्बोहाइड्रेट नहीं ही कार्बोजाइलिक एसिड है पर डेफिनेशन ते बिल्कुल फिट है जी डेफिनेशन के हिसाब से ही कार्बोहाइड्रेट है पर हालांकि ही कार्बोहाइड्रेट ना बल्कि एसिटिक एसिड है ओके तो चवण जो मकसद यो ये डेफिनेशन सा यूज करना है पर ये डेफिनेशन इनकंप्लीट है यानी कि सा के इन से बदला की ई डेफिनेशन रिक्वायर्ड हुंदी जेका कंप्लीट हुई ओके जेका सबनी कार्बोहाइड्रेट्स ते फिट है एंड केन भी एड़े बे कंपाउंड ते फिट ना थे जेको कार्बोहाइड्रेट ना हो जे ताने सा हुआ जेका कंप्लीट डेफिनेशन आहे हुआ डिस्कस करू ना कंप्लीट जेका डेफिनेशन आहे जेका सबनी कार्बोहाइड्रेट्स ते फिट अचेंगी वो डेफिनेशन आहे कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से लेट्स सपोज मान इन स्ट्रक्चर ड्रा करा दो इकडे कार्बोहाइड्रेट जी ही कार्बोहाइड्रेट आहे ने जेकर तुम केमिकल फार्मूला कर दो तो जो केमिकल फार्मूला दे दो C6H12O6 की ग्लूकोज जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ओके एरे हिसाब से एक और बियो का फार्मूला ड्रा के होगा कि बे कार्बोहाइड्रेट जो
इन्हें जो भी केमिकल फार्मूला सेम ही है, C6H12O6, पर ही स्ट्रक्चरल फार्मूला है केवल फ्रक्टोज। दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, बोथ आर द कार्बोहाइड्रेट्स। आणि इन्हें जी स्ट्रक्चर दे रहे सारा संदर्भ से केमिकल कंपोजिशन संदर्भ से तहन में ऐसा के खोर सारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर चलता, यानी कि OH ग्रुप नजर चलता, चाहे ग्लूकोज स्ट्रक्चर हो या चाहे फ्रक्टोज स्ट्रक्चर हो या कैन भी बे कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर दे, सबनी जी यही कंडीशन होनी असा सिर्फ प्रेफरेंस के तौर पे की बात रहे हैं। ओके, तहन में खोर सारा ऐसा के OH नजर चलता जनरेट सब होते ही OH प्रेजेंट है, ही OH प्रेजेंट है, मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है। ऐसा ही सिचुएशन इन कंडीशन में है फ्रक्टोज स्ट्रक्चर में, इतने भी मल्टीपल OH ग्रुप्स प्रेजेंट आहे ऐसा जैसे होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्या है वे बायोकेमिकल कंपोजिशन दीज आर दी पॉलीहाइड्रोक्सीन, ये पॉलीहाइड्रोक्सीन होना है, पॉलीहाइड्रोक्सीन होना है मतलब इनमें में मल्टीपल OH ग्रुप्स होना है। दिस आर जस्ट बाय एग्जांपल्स में है एंड इनमें से अगर क्लियरली नजर अच्छे तो तहन में वाकई मल्टीपल OH प्रेजेंट आहे, पर जेकर ऐसा यूं भी स्ट्रक्चर संदर्भ कार्बोहाइड्रेट्स जो तो उन्हें में भी मल्टीपल OH नजर आता है। सा सबनी कार्बोहाइड्रेट्स का अगर तो जेको भी कार्बोहाइड्रेट हो पहली बार तो वो पॉलीहाइड्रोक्सीन हो, यानी कि उनमें मल्टीपल OH ग्रुप्स प्रेजेंट होगा। और अगर बाद में सर सो तो एकड़ा कार्बोहाइड्रेट्स एड़ा होता है जिनमें मल्टीपल OH का गैस CHO प्रेजेंट हुआ है, CHO यानी के एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। एकड़ा कार्बोहाइड्रेट्स एड़ा होता है जिनमें मल्टीपल OH का गैस CO कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट आए तो मतलब ही जेको कार्बोहाइड्रेट है वो एल्डिहाइड फैमिली से वास्तव में है, अगर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट आए तो ही जेको सर कार्बोहाइड्रेट की नो यो कीटोन फैमिली से वास्तव में। ओके, कने भी भाई ये गड ना होगा, या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो मल्टीपल OH का गड एल्डिहाइड प्रेजेंट हो या वही मल्टीपल OH का गड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, तसा इन हिसाब से डेफिनेशन फाइंडर कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आणि ही डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट आहे आणि या सबनी कार्बोहाइड्रेट्स से फिटेज होगी। इन डेफिनेशन के लिए कैसा फॉलो करना है तो एसिडिक एसिड भी कार्बोहाइड्रेट्स के क्राइटेरिया का बाहर है बिल्कुल। ओके, इन डेफिनेशन के हिसाब से एसिडिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं, एसिटिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। तो जेके भी सा कार्बोहाइड्रेट्स प्रंदा जिन भी कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर संदा से उनन में सा के मल्टीपल OH नजर इन एंड मल्टीपल OH सा गड या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हुंदो है या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हुंदो है, ते जे करे सा डेफिनेशन थाइस कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो बे एग्जांपल करूंगा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक उनका वो ट्रिम कार्बन जो होता है, एक प्रो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है सर थ्री कार्बन है एंड को बेस सम कार्बोहाइड्रेट का होता थ्री कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स के ऐसा नाम दिया है अल्डोजेस जो
एंड जिन कार्बोहाइड्रेट्स में मल्टीपल ओएच संघ कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, उन्हें के संदर्भ में बताया हूं कीटोसिस जो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बाय स्ट्रक्चर बिन टाइप्स में बिन कैटेगरीज में चुने जाता है। इतना कार्बोहाइड्रेट्स हैं अल्डोसिस एंड दे आर कार्बोहाइड्रेट्स हैं कीटोसिस। अल्डोसिस वो है जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी मल्टीपल ओएच संघ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे ग्लूकोज एग्जांपल करो तो ग्लूकोज इन कैटेगरी में चुने तो ग्लूकोज इज अल्डोज। उनका वो फ्रक्टोज जैसा एग्जांपल करो तो फ्रक्टोज में मल्टीपल ओएच संघ कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, फ्रक्टोज इन कैटेगरी में चुने तो फ्रक्टोज कीटोज है। इतने सारे हम जो एग्जांपल दिसो तो ये का स्ट्रक्चर सर बना दिया है, ये है स्ट्रक्चर ग्लाइसिनल डिहाइड, ये स्ट्रक्चर है ग्लाइसिनल डिहाइड। ग्लाइसिनल डिहाइड कार्बोहाइड्रेट है, थ्री कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है, जेमी ब ओएच प्रेजेंट है एंड इनको एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ओएच संघ एल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तेने करे की इन वाली कैटेगरी में चिन्ह दो अल्डोज में। आई सी जो को है इन कार्बोहाइड्रेट चुना हुआ है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। आई ही जो को कार्बोहाइड्रेट है इनमें मल्टीपल ओएच संघ कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तेने करे की जो है कीटोसिस वाले ग्रुप में चिन्ह दो। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फ्रक्टोज जो को है वो एग्जांपल है कीटोसिस का, ग्लूकोज एंड ग्लाइसिनल डिहाइड एग्जांपल्स हैं अल्डोसिस का। जनरली ऐसा अगर करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, या कंप्लीट डेफिनेशन थी इन दी एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट्स की। ओके होप यू आर